with you. Just take my hand and fly up. Hi friends, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे. So guys, सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ. So I'm literally missing my brothers right now. वैसे तो हर साल यही होता है कि I don't get this opportunity go visit my brothers. So I can only wish for that, but obviously I can connect them through a video chat or just audio call. So इसके थ्रू भी मैं सारी बहनों को, जितने भी सारे भाई हैं, सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ. हाँ, एंड अक्षित एंड अंशुल स्पेशली, आई एम मिसिंग यू गाइस सो मच. बिकॉज मेरी रियल सिस्टर नहीं है तो मेरी कजन बहुत सारी सिस्टर है, रज्जू, रुचि, चिक्कू, अनुजा, ये सब पमिदी, ये सब हमारी मेरी कजन सिस्टर्स है. तो उन सभी को सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ. तो गाइस, बैंगलोर आके हमारे हो चुके हैं 3 वीक्स, और इन 3 वीक्स में अब आने के बाद हम काफ़ी हद तक अब सेटल हो चुके हैं यहाँ पे. और अब हम हिमाचल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज हिमाचल की वो वाइब्स, वो माउंटेन्स, वो एप्पल ऑर्चर्ड, वो पहाड़ी वाइब्स, पहाड़ी लोग, वो सब चीज़ें अब बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे आके. पर जब हमने सामान अपना हिमाचल से यहाँ पे शिफ्ट करवाया, तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम आई सामान शिफ्ट करने में, वो थी कि पैकर और मूवर ढूंढना. क्योंकि पैकर और मूवर मार्केट में बहुत सारे हैं, पर किसको चूज़ करें, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. जब हमने शुरू में सर्च किया, तो सबसे पहले हमने जो सर्च किया था वो एक अग्रवाल पैकर एंड मूवर था, जो कि इंडिया का सबसे फेमस मूवर एंड पैकर है, उसको सभी जानते हैं. तो जब अग्रवाल पैकर एंड मूवर से जब मैंने कोटेशन लिया, तो उन्होंने हमारे को जो कोटेशन दिया वो 1,40,000 रुपये का दिया था, सिर्फ सामान का. गाड़ी की कोटेशन 32,000 रुपये की अलग से थी. तो वो कोटेशन जा रही थी मेरी टोटल 1,70,000-80,000 रुपीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. तो उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि कौन सा पैकर एंड मूवर हमें देखना चाहिए. मैंने और भी 2-3 पैकर एंड मूवर से सर्च किया, तो उनकी कोटेशंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, या किसी की कम भी थी तो उनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे गूगल पे. तो फिर जाके मुझे फाइनली एक कंपनी मिली जो कि मुंबई से थी. कंपनी का नाम है, वो है भगवती पैकर एंड मूवर्स. तो गाइस, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, ये वेबसाइट का उनका पेज है, भगवती पैकर एंड मूवर्स से आप उनको सर्च कर सकते हैं. और भगवती पैकर एंड मूवर के नाम से जब आप सर्च करोगे गूगल पर जाके, तो आपको 3-4 कंपनियां मिलेगी. एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हर पैकर एंड मूवर के नाम से, अग्रवाल पैकर एंड मूवर के नाम से भी 3-4 कंपनी गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगी. तो वैसे ही भगवती पैकर एंड मूवर के नाम से भी 2-3 कंपनीज हैं, पर जो ओरिजिनल वाली जो कंपनी है, उसमें जो लोगो है वो भगवती के ऊपर इस तरह का, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, इस तरह का लोगो भगवती पैकर एंड मूवर का है. आप जब वेबसाइट खोलते हो तो इसके ऊपर आपको दिख जाता है सीधा सीधा इनका फ़ोन नंबर. ये नरेंद्र भाई का ही नंबर है जो इसके ऊपर दिख रहा है, और ये इनका कंपनी का ईमेल आईडी है. तो अभी यहाँ से सीधा आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों ने जब हमारे घर पे ये पैकर एंड मूवर आया, तो इन्होंने किस तरह से हमारे घर में हमारा सारा सामान को इन्होंने पैक किया, और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है पैकिंग मूव करते बाद. तो चलते हैं सीधा यहाँ से बड़ू साहिब. तो गाइज, आज है हमारा लास्ट दिन बड़ू साहिब में. हम बड़ू साहिब छोड़ के आज जा रहे हैं. ईशा यहाँ पे 11 साल रही, और मैं भी यहाँ पे 4.5 साल मेरे भी होने वाले हैं यहाँ आके, शादी के बाद आके. फिलहाल अभी आने वाले हैं पैकर एंड मूवर्स, तो हमारे को भी यहाँ पे जो जितना भी सामान है वो सारा यहाँ से अभी वाइंड अप करना है. पैकर मूवर्स आ रहे हैं अभी. मुझे बस 2 मिनट पहले ही कॉल आया है, गेट पे गाड़ी आ चुकी है. मुझे वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया है, देखते हैं कौन, कितने लोग आए हैं पैकर एंड मूवर टीम में. और उसके बाद यहाँ पे सारा सामान पैकिंग होगा. पैकिंग होने के बाद हम यहाँ से जो बेंगलुरु वाला सामान है वो यहाँ से वहाँ भेज देंगे, और कुछ सामान जो हमारा है वो हम यहाँ से अपने घर की तरफ, गांव जो कोटगढ़ है हमारा शिमला में, वहाँ पे घर को हम ले जाएंगे. सो गाइस, फाइनली हमारे पैकर एंड मूवर आ चुके हैं. तो ये आए हैं आई थिंक 3 लोग और एक ड्राइवर है शायद. तो ये 3 लोग आए हैं, शायद चौथा ड्राइवर है. तो हमारी गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है, पैकर एंड मूवर आ चुके हैं. इन्होंने अपना मटेरियल भी गाड़ी में लाया हुआ है, आप देख सकते हो. इन्होंने कार्टन लाए हैं, और रोल करने के लिए शीट लाई है, बबल शीट लाई है. चलो ठीक है, देखते हैं. तो गाइज, ये लोग आए हैं अंदर, और इन्होंने आते ही युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है. आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन निकल चुकी है. भैया आपका नाम क्या है? सुनील कुमार. आपका? सलमान आलम. तो तुम्हारे से मेरी बात हो रही थी फोन पे, है ना? हाँ. तो इन्होंने से निकाल दिया कमरे में आके. तो खैर, इन्होंने फटाफट 5 मिनट नहीं लगाया, इन्होंने 2-3 बॉक्स तो इन्होंने कार्टन बाहर भर के रख भी दिए भाइयों ने. और यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे वीवी के कपड़े थे, ये इन्होंने सारे यहाँ से पूरी अलमीरा खाली कर दी है. और फटाफट ये इनके कार्टन होते हैं, कार्टन इनके बहुत मजबूत अच्छी क्वालिटी के हैं. अब ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कुछ हमारे पास है उसको ये पैक कर रहे हैं, साथ में हर एक चीज़ को ये बराबर
बबल शीट से रैप कर रहे हैं और साथ साथ उनको रख के इसमें इस तरह से भर के रख रहे हैं। ऐसे स्पीकर थे मेरे पास, इनमें रख दिए हैं। तो अब एक एक करके सब चीज़ों को इस तरह से रखेंगे। भैया आपका नाम क्या है? रंजीत। मशीन को इन्होंने पहले यहाँ पे रैप कर लिया है बबल शीट के साथ। तो ये है फाइनली हमारी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का इट इज़ नॉट डन येट। ओ ये है जी फाइनल लैमिनेशन। ये यहाँ पे फटाफट पैकिंग शुरू है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डब्बा है, वहाँ पे ये बीवी के कपड़े सारे हो चुके हैं इसमें पैक। तो अब विवियन के टॉयज हैं, इसके बाद विवियन के टॉयज को हम पैक करेंगे। इसका उधर फ्रिज को कुछ खाली कर रही है, जो उसमें सामान है बर्तन है उन्हें निकाल रही है। इसमें हो चुकी है हमारी ब्लैंकेट और रजाई। जो हमारी क्रॉकरी है सिरेमिक वाली, इसको पैक, तो सारा सामान यहाँ पे पैक हो रहा है। भैया ने यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें पैक कर दी है। सिरेमिक के यहाँ पे चीज़ें हैं आ रही है, पर ये बहुत ही प्यार से सब चीज़ें, जैसे इन्होंने शीशे के गिलास है अच्छे से रैप कर दिए हैं, और जो प्लेट्स है हमारी वो भी इन्होंने अच्छे से प्लेट रैप कर दी है। फीडबैक क्या है तुम्हारा? पैकर एंड मूवर्स जो आए हैं भाई लोग कैसा काम कर रहे हैं? दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इफ वी वुड हैव डन इट आवरसेल्व्स दैट वाज अ ग्रेट हेडेक, बट दे आर डूइंग इट सो स्मूथली, लाइक दे हैव जस्ट डन इट इन मिनट्स। नो कितना फटाफट कर रहे हैं सब। एंड आई थिंक दिस इज एन आवर एंड दे हैव ऑलमोस्ट पैक्ड आवर 80%। मेरे को 1 घंटा और लगेगा अभी, क्योंकि किचन का सामान रहा है, कुछ मंदिर रहा है, किचन का बचता है थोड़ा सा। हां उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक-एक चीज रैप करनी पड़ रही है, रैप करनी है, क्योंकि जो ये आपकी क्रॉकरी है ये हमेशा यही रहती है ना, ग्लास में रहती है, सो दे विल हैव टू पैक ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली, कुछ टूट ना जाए। सो यू रेकमेंड पैकर एंड मूवर्स? यस आई हाईली रेकमेंड। अच्छा, डू यू नो कि ये कौन से पैकर एंड मूवर है जिससे हम सामान शिफ्ट करवा रहे हैं? ईशा को कुछ पता नहीं होता है, ईशा को बस आई नो देयर नेम। तो गाइस 22 तारीख को सारा सामान पैकर एंड मूवर को हमने दे दिया था, फिर उसके बाद हम चले गए थे एक वीक के लिए छुट्टियों पे घर। 29th को हम चंडीगढ़ मूव हुए और 2 दिन हम चंडीगढ़ रुके। 30th की सुबह मैंने दोबारा से भगवती पैकर एंड मूवर को कॉल किया और मैंने उनसे बताया कि आप हमारी गाड़ी को भी आज पिक कर लो, बिकॉज गाड़ी भी हमने पैकर एंड मूवर्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करवाई है बैंगलोर के लिए। तो
तो 20th को ये लोग हमारे होटल पे आए और ये हमारी गाड़ी को ले गए। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने उस दिन होटल पे ही की थी, तो फिर चलते हैं, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमने नहीं भेजी थी, तो अभी मुझे पैकेट मूवर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा है कि हम किसी को भेज रहे हैं गाड़ी पिक करने के लिए, और मुझे गाड़ी देने से पहले उन्हें हैंडओवर करने से पहले गाड़ी का एक वीडियो बना के रखना है अपने पास, जो कि मैं उन्हें भी शेयर करूँगा, ताकि जिससे एक रिकॉर्ड रहे कि गाड़ी हैंडओवर करने से पहले हमारी गाड़ी की क्या कंडीशन थी, और उसी कंडीशन में मुझे गाड़ी वापस मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग मीटर रीडिंग भी मैं ले लूँगा कि मेरी गाड़ी अभी कितना रन है, और जिस दिन वो मुझे देंगे तो उस दिन भी मेरी मीटर रीडिंग में कितना डिफरेंस आता है उससे पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरी गाड़ी कितना ड्राइव की हुई है। 2 weeks later, हमारी बिल्डिंग की पार्किंग में आप देख सकते हो कि गाड़ी लग चुकी है, गाड़ी से सामान उतरना शुरू हो चुका है, तो चलते हैं नीचे और एक बार नीचे भी जाके देख लेता हूँ कि गाड़ी में किस तरह से सामान लोड किया है इन्होंने। तो फाइनली हमारा सामान पहुँच चुका है, हमारे कुछ कार्टन इसमें आया, भैया कह रहे हैं कि इसमें सारा सामान नहीं आया तो दूसरी गाड़ी में आ रहा है। टीवी सही सलामत है, 100% सही है। तो ये भैया है जो आए हैं इनके साथ। नाउ इफ यू आस्क मी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा पैकर्स एंड मूवर्स के साथ, तो सच में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर आप भी इस तरह से कोई लॉन्ग शिफ्टिंग कर रहे हो या रिलोकेट हो रहे हो तो आपको जरूर इन्हीं की सर्विसेज लेनी चाहिए। वी आर लिटरली सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ भगवती पैकर्स एंड मूवर्स। मतलब सारा सामान, स्पेशली किचन का जो सामान है, मतलब बहुत सारा ग्लासी मटेरियल होता है, इसको सिर्फ किचन के सामान की पड़ी हुई है, पर मैं बताता हूँ कि पूरे घर का जितना भी सामान हमारा था, बेड थे, वॉशिंग मशीन थी, फ्रिज था, किसी में कुछ भी कोई डैमेज नहीं हुआ। इवन हमारी गाड़ी है वो स्क्रैचलेस है, एक भी स्क्रैच पूरी गाड़ी में नहीं है। एक जो कबर्ड है बड़ी वाली, हाँ, उसमें कोने में, हाँ, कॉर्नर में है, कहीं मेरे ख्याल से कहीं बच गया होगा, कहीं थोड़ा सा कॉर्नर से थोड़ा सा उसमें दबा है अंदर को। मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये जो हमारा हमने पहले किसी दूसरी कंपनी से लिया था, हमने कोटेशन लिया था इसका, वो 1,70,000-80,000 तक का था, और इन्हीं से भगवती पैकेट एंड मूवर से यही सारा काम का हमने टोटल 73,000 में पूरी क्लोजिंग हुई है हमारी। तो मतलब आप समझ रहे हो कि 70% कम पे इतना कम है। और सबसे बड़ी बात, बेस्ट सर्विस देते हैं, और सबसे बड़ी बात, अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स में आपको 100% अपफ्रंट पेमेंट देनी होती है, वो आपके शॉर्ट पेमेंट में आपसे बुकिंग करेंगे ही नहीं, आपको पूरी की पूरी पेमेंट उनको अपफ्रंट देनी पड़ती है। पर यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र भाई जो इनके ओनर है, जितना मैं उनसे मिला नहीं हूँ अभी तक, फोन पे ही बात हुई है, वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उनसे कहा कि भैया आप 60-40 कर लो, तो मैंने उनको शुरू में 60% दिया, और जब मेरे पास सारा सामान यहाँ पे पहुँच गया उस दिन मैंने उनको 40% की पेमेंट कर दी, और वो बहुत अच्छे थे और वो बहुत खुशी से उन्होंने लिया, और उन्होंने, और बल्कि उसके बाद मैंने उनको 2-3 रिकमेंडेशन भी दे दिया, और उन लोगों ने भी उनसे सर्विसेज ले लिया मेरे दोस्तों ने, और उनका फीडबैक भी यही था कि वो बहुत ही ज़्यादा नाइस और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग आदमी है। तो गाइस आप लोग भी जब पैकेट मूवर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनसे सर्विसेज ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने जो आपकी अपनी पसंद है उनसे भी ले सकते हैं। तो गाइस आपको आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी इन्फॉर्मेशन पैकिंग और मूवर की आपको अच्छी लगी हो। तो गाइस आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। So guys, this much for today. And if you really feel ki today's video was informative, humne aapse kuch informative cheez share ki, to subscribe to our channel. Please do it so that you get all the latest updates from our side. Is video ko zyada zyada share kare taki jin logo ko पैकर मूवर की जरूरत है, जो ढूंढ रहे होंगे, तो उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि गाइस ट्रस्ट फैक्टर एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि हम अपना मतलब प्रेशियस चीज जो मतलब हमने इकट्ठा किया है घर का सामान, मतलब आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, और ऑब्वियसली आप किसी मतलब ट्रस्ट वर्दी जो है सर्विसेज उन पे ही ट्रस्ट करना चाहोगे। सो दिस इज द वन ऑब्वियसली। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।